डिस्क्लेमर, इस वीडियो पे भर के लाइक्स और भर के शेयर्स होने चाहिए ताकि भोले हिंदुओं तक ये मैसेज पहुंच जाए। साल की पहली वीडियो में तुम लोगों के लिए सरप्राइज है कि मैं इस महीने अपना नया गाना डालूंगा, और इस वीडियो की लास्ट में कुछ लाइंस मैंने रिवील की है। और फिर से कहूंगा कि ऐसे चश्मे वालों पर ट्रस्ट नहीं करते, इंजॉय करो। हेलो जी, मैंने फर्जी हिंदू जोगिंदर के ऊपर एक रील बनाई और उसको थोड़ा सा एक्सपोज किया, और उस रील से अफेंड होके उसने डीएम में इंस्टाग्राम पे मुझे एफआईआर की धमकी दी। अगर गलती से आज के बाद वीडियो बना भी दी ना, पुलिस केस ठोक दूंगा, कल ही भिजवा दूंगा लेटर तेरे घर, बना दूंगा तेरे को मंत्री, कभी बन रहा हूँ अपने आप के अंदर। अरे तू क्या है तो बता, कल ही भिजवाऊ, कल वहाँ करवाऊ, कोर्ट में जाके तेरे नाम का वो संबंध भिजवाऊ तेरे घर। आता जाता कुछ है नहीं, रोस्ट वीडियो डिलीट कर दिए, समझ गा। इस वीडियो को ना पूरा देखना और शेयर जरूर करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिलीजन का यूज सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि कुछ सस्ते कार्टून भी करते हैं फेम और व्यूज के लिए। माय लॉर्ड, तीन रीजन कि हमें ये वीडियो को शेयर करना चाहिए। पहला कि इनके इस कंटेंट से हमारा रिलीजन प्रमोट नहीं, हमारे रिलीजन का मजाक उड़ रहा है। सेकेंड रीजन माय लॉर्ड कि इस कंटेंट से बहुत ज्यादा हेट स्प्रेड हो रही है और फेक न्यूज भी स्प्रेड हो रही है। थर्ड और मेन रीजन कि अगर इस तरीके के फर्जी इन्फ्लुएंसर्स पे हमारे भोले हिंदू ट्रस्ट करने लग गए तो हो सकता है कि ऐसे फर्जी हिंदू फिर से करोड़ों का स्कैम करें। माय लॉर्ड, आजकल हैशटैग भक्ति का जमाना चल रहा है, मंदिर जाके अगर रील नहीं बनाओगे भगवान को पता कैसे चलेगा कि तुम मंदिर आए थे। खैर, जनता महोदय, साल की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब और लाइक करके इस चैनल को 1 मिलियन के करीब ले जाएं। शुरू करते हैं। देख रहे हो दोस्तों, ये आदमी कैसे हमारे भगवान को तोड़ रहा है, और इसने खुद बोला है कि मैं तोड़ूंगा और हिंदू धर्म मेरा क्या कर देगा। देख रहे हो ना, हमारे भगवान को कैसे तोड़ रहे हैं लोग। अगर इनको रोका नहीं गया ना, ये खुलेआम हमारे भगवान को ऐसे तोड़ेंगे। इन लोगों की एक्टिंग को अगर हम इग्नोर करें तो पुनीत ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं तो तोड़ूंगा, हिंदू धर्म मेरा क्या करेगा। ये एक्चुअल स्टेटमेंट उस बंदे ने दिया भी नहीं, लेकिन ये लोग ऐसे स्टेटमेंट देके सॉफ्टली टारगेट करते हैं कुछ ऐसे हिंदूस को जो धर्म के नाम पे भैया फुद्दू हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद मेरे कट्टर हिंदू शेर ने श्री राम और माता रानी की कसम खिलाई है, तो यार शेयर तो करना ही पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर कर दो, तुम्हें माता रानी की कसम है, तुम्हें ना श्री राम जी कसम है, उससे मेरा क्या फायदा। अब देखो भैया, ये जो मूर्ति तोड़ना है मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं भी इनके खिलाफ हूँ, लेकिन जो वीडियो इन लोगों ने दिखाई है उसके अंदर जो मूर्ति तोड़ी जा रही है वो राक्षस महिषासुर की है। मेरे हिंदू शेर को धर्म का ज्ञान है बराबर, रिसर्च करेंगे बराबर, लेकिन वीडियो बना के निकल गया भैया दंगे कराने है मुझसे कोई स्मार्ट। अब इन सब की शुरुआत होती है जब जोगिंदर अंकित बयापुरिया से इंस्पायर्ड होके 108 दिन का चैलेंज लेता है, चित्रकूट चैलेंज, जिसके अंदर वो गरीबों की मदद करने वाला था। आज थारा भाई जोगिंदर चित्रकूट की भूमि पर खड़ा होके चित्रकूट चैलेंज की घोषणा करता है, जिसके अंदर 108 दिन लगातार गरीब लोग की मदद करूंगा, किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। जब मैंने इस चैलेंज के बारे में सुना तो मेरे को अच्छा लगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो चैलेंज है ये इलेक्शन के पहले जो नेता वोट लेने के लिए भैया वादे करते हैं उसी की तरह झूठा है, क्योंकि जोगिंदर ने गरीब की मदद तो नहीं की लेकिन इंटरनेट पे हेट जरूर फैलाया। हमारी दुर्गा माता के साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया, अगर आप लोग देखोगे ना आप लोग को भी रोना जाएगा। तुम्हें दुर्गा माता की कसम है, इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि तीनों के तीनों पकड़ में आए। मेरे को मालूम नहीं था कि आंखों के नीचे 10 रुपए वाला विक्स लगाने से 7 लाख लोगों को काटा जा सकता है। क्या इनकी नौटंकी चालू रही। इस लड़के ने ना आज साबित करके दिखा दिया कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के अंदर एकता नहीं है। तुझ में और मुझ में एकता इसलिए नहीं है भाई क्योंकि तू ढोंगी और एक नंबर का गवार है। मोरे मोरे, अपने आप को असली हिंदू मानते हो ना, इस वीडियो को इतना शेयर करना, तुम्हें श्री राम जी की कसम है, हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ाया है, जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, देख रहे लोगों की हिम्मत। रोने के आगे, हम लोगों को श्री राम की कसम खिलाने के आगे, याद दिलाने के लिए कि हम हिंदू हैं, इन सब चीजों के आगे अगर इसको फुर्सत मिलती तो ये थोड़ी रिसर्च करता, और जब ये रिसर्च करता तो उसको पता चलती कि जो फोटोज और वीडियो ये शेयर कर रहा है वो एक्चुअली 2019 के हैं, और उन लोगों के खिलाफ पुलिस ऑलरेडी एक्शन ले चुकी है। जस साहिब, इस वीडियो के ऊपर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा शेयर है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे सांप्रदायिक तनाव, दंगे उत्पन्न होने जैसी कंडीशन और ऑनलाइन हेट फैल रही है। इससे आईपीसी धारा 153A और 295A जोगिंदर पे लग सकती है, जिससे उसको 3 साल की जेल और बहुत सारा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जोगिंदर मेरे भाई, ऐसी बेवकूफी मत कराकर पैसों के लिए, पैसे ही कमाने हैं तो एक ट्रिक बताता हूँ। बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा, वन विन, डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से आ जाओ वन विन पे डाउनलोड करके,
अब तुमको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे क्लिक करके ये सारी डिटेल्स भर के रजिस्टर कर लो। उसके बाद तुम्हें डिपॉजिट करना है थोड़े पैसे, तो यहाँ पे क्लिक करके, अब मैं पेटीएम यूज करता हूँ क्योंकि सबसे इजी है। डिपॉजिट के बाद यहाँ पे काफी सारे गेम्स है, जो मेरा फेवरेट है वो है लकी जेट, और इसको खेलना बहुत ही सिंपल है। बस इस गेम में तुमको इस प्लेन को नीचे गिरने से बचाना है। अपने फंड्स को विड्रॉल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है और बस थोड़ा सा वेट। ये गेम आपको वनविन साइट पे मिलेगा, जिन्होंने काफी हेल्प की है, और यहाँ पे विड्रॉल जो है फास्ट और बिना किसी कमीशन के होते हैं। रजिस्ट्रेशन भी सिंपली हो जाते हैं, और मेरा कूपन कोड क्रेजी दीप अगर तुम लोग यूज करोगे तो तुम्हारे पहले डिपॉजिट पे तुम्हें 25,000 देंगे, जितने भी नए यूजर्स हैं उनको। और हाँ, डिपॉजिट के लिए पेटीएम यूज करना, ये फास्ट और इजी है। और वकील साहब आप कंटिन्यू कर लो। जोगिंदर के स्टेटमेंट खुद ऐसे हैं जिससे उसके ऊपर लीगल एक्शन ली जा सकती है, लेकिन जोगिंदर मेरे क्लाइंट क्रेजी दीप को इंस्टाग्राम पे धमकी देता है FIR की। क्या कह रहा है? जोगिंदर एक्टिंग कर रहा है, भगवान के नाम पर व्यूज खा रहा है। अगर हमारे भगवान की कोई मूर्ति तोड़ेगा, खड़े खड़े देखूंगा क्या मैं? हारे जैसे तो बोल नहीं पाते, तुम अपने आप को यूट्यूबर समझते हो बहुत बड़ा। अबे ओ हंटर, जाकर अपना यूट्यूब पे अपना काम धंधा कर लो, मेरे को मत सिखाओ। अगर गलती से आज के बाद वीडियो बना भी दी ना, पुलिस केस ठोक दूंगा। जोगिंदर भाई एकदम सही कह रहे हैं कि अगर हिंदुत्व के खिलाफ में कुछ भी होएगा तो जोगिंदर भाई आवाज उठाएंगे। लेकिन नूपुर शर्मा के केस में आपकी रील काम गई, कन्हैया लाल के लिए भी आपने रील बनाई होगी, या उमेश कोले के लिए बनाई होगी, या फिर दिल्ली दंगों में तो आपने बनाई होगी, है ना भाई? हाँ, उस टाइम तो ना कोई पोस्ट ना रील ना ट्वीट किया हिंदू धर्म के लिए, लेकिन अब जब रोटी से निकल गए, पैसों की कमी पड़ गई है, तो आ गए यहाँ पे हिंदुत्व के नाम पे व्यूज और पैसा छापने। और इसके साथ आया है 2023 का सबसे सड़ा मीम मटेरियल, और 40 साल का अंकल पुलिस सुपरस्टार। इस उर्फी जावेद को पर ना कार्रवाई होनी चाहिए, इसने हमारे भारत की संस्कृति को इतना बदनाम कर दिया है। अगर यहाँ पर कोई लड़का होता ना जो बिना कपड़ों के सड़कों पर घूमता, तुम लोग ही ना अब तक उसको सजा दिला चुके होते। अबे ठीक से तो देख, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि हिंदुस्तान की एक बहनों को ये वाली बात पहुंचे। और हिंदुस्तान की बहनों को एक बात बोलना चाहता हूँ, देख रहे हो कि कैसे बदनाम कर रही है लड़कियों को? एक लड़की की वजह से ना हजारों लड़कियां बदनाम होती है। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की ना कि ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूमती है 20 सड़कों पर, तो आने वाले टाइम के अंदर ये हिंदुस्तान की हर एक लड़की के दिमाग में यही बात घुसा देगी कि तुम भी ऐसे कपड़े पहनकर घूमो। टाइम आ चुका है हिंदुस्तान की बहनों, थारा भाई जोगिंदर तुम्हारे साथ है, इसको सजा दिलाओ, सजा कार्रवाई करो इस उसी जावेद के ऊपर। जय श्री राम। पहली बात तो मेरे को ये बता कि जो तू रील बना रहा है इसके बैकग्राउंड में जय श्री राम कहां से आ गया? दूसरी बात कि एक लड़की की वजह से हजार लड़कियां बदनाम होती है, तो तेने भी तो 18 करोड़ का स्कैम किया है, तू भी तो सड़कों पे क्रिंज करता था, और जोगिंदर तू भी तो हिंदू धर्म का मजाक बना रहा है, तो तेरी वजह से भी तो सभी लड़कों का नाम खराब हो रहा है ना। चित्रकूट चैलेंज जिसके अंदर इसको गरीबों की मदद करनी थी, लेकिन ये कर क्या रहा है? चित्रकूट चैलेंज नंबर 20 वाली वीडियो। जिस देश के अंदर श्री राम जी की पूजा की जाती है, जिस देश के अंदर लोग भगवे कलर के कपड़े पहनते हैं, उस देश के अंदर ये जंगलों में जाते हैं बिना कपड़े के फोटो क्लिक कराते हैं। इतनी सारी बहने हैं, इतने सारे भाई हैं, वो इनका फोटो देख के क्या सीखेंगे? देखो यहाँ पे जोगिंदर एकदम सही बोल रहा है कि एक एक्टर अगर जंगल में जाके न्यूड फोटो शूट करवाएगा तो उसका असर हमारी बहनों पे और हमारे इंडिया पे गलत पड़ेगा। इसके बीच में श्री राम भी आ गए, लेकिन इनका दोस्त अगर मॉल में जाके नंगा घूमता है तो उससे कुछ गलत इन्फ्लुएंस नहीं होता भाई। एक गरीब बच्चे के इलाज के डोनेशन के पैसे को हड़प के अपना घर बनाने वाला जोगिंदर गरीबों की मदद के नाम पे उनका मजाक उड़ाता है। आओ आराम से आओ भाई, देख रहे हो अभी हम मुंबई जू बीच के सामने खड़े हुए हैं। अरे ये लड़की देख नहीं पा रही, ये चली है बेचारी, और इसके हाथ में लगी हुई है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार रहते हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि इस लड़की का इलाज करा दे। देख रहे हो सुनी भाई, थोड़े पैसे लग जाएगा, आराम से। पूरी मुंबई में कोई नहीं है क्या जो इस लड़की की मदद कर दे? इसका हाथ टूटा हुआ है बेचारी, यहाँ पर भीख मांग रही है। आराम से दे भाई, डाल दो भाई, आ जाओ पूरी भाई, आओ ध्यान रखना अपना भाई, आप लोग भी मदद करना, वीडियो इतनी शेयर करना ताकि हिंदुस्तान का इकोनॉमी वीडियो जाए। जय श्री राम। जोगिंदर दी लेंडी, तुझे ये किसने कहा कि भैया सुपरस्टार जो लोग हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, वो डोनेशन नहीं देते भाई, वो भी चैरिटी करते हैं। लेकिन सही बात है, अब जब तक रोज रील डाल के ढिंडोरा ना बांटे कि भैया आज हमने इतने पैसे डोनेट किए, तब तक वो डोनेशन में काउंट थोड़ी होता है ना। इन दोनों बच्चों ने उस गरीब की वीडियो बनाई, सुपरस्टार को बदनाम किया, 4,00,000 लाइक्स आए, 10,000 से ज्यादा फॉलोवर बढ़ गए, और एंड में उस गरीब को दिए सिर्फ 60 रुपए। उस गरीब के मुंह पे कैमरा रख के उसको 5-7 मिनट के साथ फील करवाने के बाद कि वो कितना नीडी है, उसको 60 रुपए दिए और फॉलोवर इतने बना गए। वाह यार मेरे हिंदू शेर, आइडिया तो बहुत बढ़िया है। हेलो चोई साहब,
ये रोस्टिंग के बाद मेरे को एकदम बैकअप प्लान मिल गया है। पैसा ही पैसा होगा। तुम्हें श्री राम जी की कसम है, ये वीडियो इतनी शेयर करना ताकि अंकल की मदद हो पाए। अरे यार भैया यार, फिर श्री राम की कसम दे दी, शेयर करनी पड़ जाएगी यार। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर रोड है और ये फ्लावर के नीचे अंकल सोते हैं। इनकी ना टांग टूटी हुई है, इनका कोई इलाज नहीं कर रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले गए और हॉस्पिटल से इनको भगा दिया था। क्यों? क्योंकि ये आदमी भीख मांगता है और ये फुटपाथ के नीचे सोता है। अंकल जी वो खड़े होकर दिखाना है, तू पता भी क्या बोल रहा है? इनकी ना टांग टूटी हुई है, अंकल जी वो खड़े होकर दिखाना है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अगर तुम्हें किसी गरीब की मदद करनी है ना तो सीधे से कर दो ना, कि एक कैमरा उनके मुंह के पास ले जाओ, उनको फील करवाओ कि भाई तुम कितने गरीब हो, तुम अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते हो, और इतना कुछ बोलने के बाद, कैमरे से रिकॉर्ड करने के बाद, कंटेंट बनाने के बाद उसको 20-50 रुपए दे के उनका मजाक मत बनाओ। जोगिंदर गरीबों का मजाक तो बना ही रहा था, पुनीत ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। इस बेजुबान जानवर का यार पैर भी नहीं है यार, क्या कसूर करा था यार इसने, जो इस बेजुबान जानवर का पैर नहीं है यार। यार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, ऐसे लोगों की मदद करो यार। अगर असल मायने में देखें तो ये कोई मदद नहीं, उल्टा हरेसमेंट है। मेरे इंटरनेट के कट्टर हिंदुओं ने 60 रुपए देके इतनी सिंपैथी भी ले ली, श्री राम की कसम देके वीडियो शेयर भी करवा ली और पुरानी क्लिप्स को दिखा दिखा के हेट भी फैला दिया। और बताओ और क्या कर सकते थे? हाँ, गौ माता के बारे में भी तो बोलना पड़ेगा ना, हिंदू है। दोस्तों यार देखो, ये कूड़ा खा रही है यार, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि यार हमारे हिंदुस्तान के होते हुए हमारी गौ माता कूड़ा खा रही है। ये देखो, मैं इसे भूखा नहीं सोने दूंगा किसी भी गाय को। ले 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 ले, हाँ। बताए गौ माता क्या बोल रही है कि बेटा मेरे को कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं है, मैं हमेशा ऐसी ये कूड़ा खाती रहूंगी। जिस गौ माता को पूरे भारत हिंदुस्तान में पूजा जाता है ना, वो गौ माता यहाँ पर कूड़ा खा रही है। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, वीडियो इतनी शेयर करना ताकि इन गौ माता को इंसाफ मिले। जोगिंदर के कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा गाली ना ऑर्फन लोग देते हैं। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, हम पे तो आई नो। एक तरफ ये फुद्दू जिसने बिग बॉस जाने के चक्कर में सोशल मीडिया पे अपनी गिफ्ट मराई, और दूसरी तरफ ये फुद्दू जिसने बिग बॉस से आने के बाद अपनी गिफ्ट मराई। शाबाश बेटा। देख भाई जोगिंदर, अगर देखो गौ माता की इतनी चिंता है तो एक काम कर, योगी जी के खिलाफ मोर्चा छेड़ दे। लेकिन तू नहीं छेड़ेगा क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में थोड़े फॉलोवर इकट्ठे कर लो, फेक हिंदुत्व पोस्ट कर लो तो शायद भैया पॉलिटिकल पार्टी में कोई सीट दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, अगर ऐसा होता तो एलविज भैया सांसद होते ना, कि उनके ऊपर सांसद केस कर रहे होते। मोरल ऑफ द स्टोरी के चित्रकूट चैलेंज के अंदर गरीबों की मदद तो नहीं हुई, लेकिन दो गरीबों ने लोगों का बहुत काटा। जज साहब, ये वीडियो बनाने का मेन रीजन यही है कि ऐसा ना हो कि ये लोग पास्ट की तरह फिर से किसी गरीब के नाम पर डोनेशन उठाए और उस पैसे से अपना घर बनाए, क्योंकि आज भी ये श्री राम की कसम दिलवा के वीडियो शेयर करवा रहे हैं और किसी और गरीब के लिए पैसा जोड़ रहे। भाई ये जितनी मदद हो सकती है मदद करो दोस्तों, ये भाई जो है मदद मांग रहा है। 5 दिन के अंदर इनकी टांग का ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो इनका पैर काटना पड़ जाएगा। अगर असली हिंदू हो, सच्चे धर्म के हो तो दोस्तों जितनी मदद हो कर सकती है कर दो दोस्तों। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि किसी गरीब की मदद या डोनेशन मत दो ऑनलाइन, लेकिन एक बार प्लीज वेरीफाई जरूर करो। अब जो लोग गौ माता के नाम पे व्यूज लेते हैं, अब जो लोग माता रानी और श्री राम की कसम खिलवा देते हैं, अब जो लोग 3 साल पुरानी क्लिप्स को जिनके खिलाफ एक्शंस ऑलरेडी हो चुका है उनको सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए रोटेट करवा के हेट फैला सकते हैं, उन लोगों के कहने पे तुम्हें किसी को डोनेशन देना है या नहीं ये तुम्हारा कॉल है। अब मैं ये नहीं कहता कि स्कैमर है, लेकिन जोगिंदर पे पास्ट में एक एलिगेशन लगा था कि इस बंदे ने 18 करोड़ रुपए का डोनेशन जो एक गरीब के इलाज के लिए था वो खा लिया और उससे अपना घर बना लिया। तो भैया अब इस वीडियो को तुम लोगों को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि जिन भोले हिंदुओं को ये लोग सी बना रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर तुम लोग मेरी वीडियो देखते हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस साल हमें 1 मिलियन हिट करने हैं। और जो येलो आर्मी है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उन्हें मैं बता दूं कि मैं अपना जो नया गाना है उसका शूट कर चुका हूं, जनवरी में हम गाना डालेंगे, आउट्रो के अंदर मैं प्ले कर जाऊंगा। और ये जो वीडियो आ रही है स्क्रीन पे भी देख लेना। भूल जाऊं बात को सोते साथ में थे हम रात को, केंदी नाक के पास रखो माइक को, एहसास लूंगी जैसे साथ हो। मैं लड़ू किसे से जब तुम साथ ना खड़े, तुम तो खास थे बड़े फिर क्यों फासले बड़े।